हो गौने की रात दुखदाई हो खड़े, वो भी तेल लगा के। इससे पहले कि मेरी वर्दी लफड़े में आ जाए, ये खबर मुझे दाता गुरु से बताना होगा। कोई ना कोई उपाय वो जरूर बताएंगे। दाता गुरु, क्या बात, बहुत परेशान हो? बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जिस पट रमन था ना, तो उसकी पत्नी साली कंचन जिंदा बच गई। क्या जिंदा बच गई? हाँ, कैसे? गोली मारी जो बच गई, निशाना लगा के मारी थी दाता गुरु। क्या है? जिस पट धर्म मारती है ना, उसकी पत्नी सरिता ने उसे अपने ही घर में पनाह दे दिया। पनाह दिया है? जी हाँ। इस पटर धर्म मारती मेरे पास आ रहा है। क्यों? इस पटर अमन की केस की फाइल लेने के लिए। केस की फाइल लेने के लिए? दाता गुरु, अगर ये केस दोबारा खुल गया ना, तो मेरी तो वर्दी उतर जाएगी खड़े खड़े, वो भी तेल लगा के। फिकर मत कर कमिश्नर, फिकर मत कर। इसी वक्त जाता धर्म भारती घर, देखता हूं मिस्टर अमन केस की छानबीन कैसे करता है। बेटा तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। मुन्ना, क्या है? ये बता, तेरे पापा कहाँ पे हैं? और ड्यूटी पे गए हैं। ओ, और तेरी मम्मी? और मम्मी गए हैं मिठाई आने। पढ़ने जाता है? जी, बहुत अच्छी बात, खूब मन लगा के पढ़ना। जिस तरह तुम्हारा पापा पढ़ लिख के इस्पटा बना हुआ है, उसी तरह पढ़ लिख के इस्पटा बनना। प्रसाद खाएगा? जी, आओ तुझे प्रसाद खाऊंगा। शाबाश, देखो बेटे प्रसाद खाओ और स्कूल जाओ। भारती से अगर मिस्टर मन केस की छानबीन किया तो उसे भी हमें सामने तक ले मिटा दूंगा। बेटा 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 बेटा, मुझे कहाँ छोड़ के चला गया बेटा, तू मुझे कहाँ छोड़ के चला गया? बेटा, मुझे छोड़ बेटा, कहाँ तो सीधा मुझे छोड़ बेटा।
बेटे को मेरे दाता गुरु इसमें बड़ी अफसोस की बात है, हमारे बेटे को दत्ता गुरु ने मारा है, लेकिन आज सरता ये पौधन भारती का बेटा है, मैं इसकी लाश लेकर के उस कमिश्नर के पास जाऊंगा और उस दत्ता गुरु के गिरफ्तार का वारंट लेकर आऊंगा सरता, मैं उसे अरेस्ट करूंगा, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। मेरा बेटा सर, मेरे बेटे को दाता गुरु ने गोली से मार दिया सर, मुझे उसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर, मुझे दाता गुरु की गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर। सर मेरे मुरली का खून दाता गुरु ने कर दिया सर, मुझे दाता गुरु की गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर, उसके गिरफ्तार का वारंट चाहिए सर। तुम्हारे मुन्ने का खून दाता गुरु ने कर दिया है। अरे तो भैया जिसकी मौत थी वो मर गया, इस लाश को ले जाओ कहीं दफन कर दो वरना लाश बर्बाद हो जाएगी। ये धर्म भारती का बेटा है, मुझे इसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर, मुझका उसके गिरफ्तार का वारंट चाहिए सर। शगी भांजी के साथ बलात्कार देहरादून राम लोटन, वारे जमाना, अब लोग जवानी के जोत में रिश्ते भी नहीं देखते हैं, ठोंक देते हैं। ओ दो हिजड़ों ने दो बच्चों का जन्म दिया अमेरिका में, वारे अमेरिका कितना विज्ञान में आगे जा रहा है जो हिजड़ों के बच्चा पैदा करता है। क्या है भैया, क्या है? यह बड़े धर्म भारती का बेटा है सर, इसको दाता गुरु ने गोली से मार दिया सर, लाश लेकर के इस कमिश्नर के पास आया हूँ, लेकिन ये तो कहता है
तो जिसकी मौत थी वो मर गया सर। तो ठीक तो कहता है कमिश्नर, ठीक तो कहता है, हिले रोजी बहाने मौत, कोई पेड़ पर से नीचे गिर गया तो मर गया, कोई ट्रक के एक्सीडेंट में मर गया, किसी को सांप ने डसाया तो मर गया, ये तो हुआ करता है। कहावत सुना है? कहावत सुना है? नहीं नहीं सुना। मांगने गए पूत मर गया भतार। अगले वर्ष पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा, सीधा प्रसारण दिल्ली का टीवी चैनल पे देखा होगा, है नहीं? 19 अक्टूबर सन 2019 को दशहरा का मेला लगा था, बहुत भयंकर, कहां अमृतसर में। इतनी भीड़ वहां पे, इतनी जनता थी कि जगह नहीं थी, तो लोग लाइन पे बैठे, पटरी पे बैठे दशहरा का मेला देख रहे थे। वहां पे अमृतसर का एक बलबीर सिंह का नाम लड़का था, जिसकी उम्र थी 22 साल, वो रावण का रोल किए रखा था। जब वहां से क्या देखा कि देहरादून एक्सप्रेस बहुत तेजी से आ रही है, वो क्या किया, अपना रोल हटा करके लोगों को बचाने के लिए भागो ट्रेन आ गई, भागो ट्रेन आ गई। ट्रेन इतनी तेज में थी कि हजारों आदमी उसमें कट गया, और वो बलबीर सिंह बचाते बचाते लोगों को खुद ट्रेन की चपेट में आ गया, जो उसके कतरे कतरे नहीं मिले। अमृतसर नहीं बल्कि दुनिया में बलबीर सिंह ने अपना नाम पैदा कर दिया। चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, इस बच्चे का बीमा करवाया था? नहीं नहीं करवाया, बहुत बड़ी गलती किया इंस्पेक्टर। अगर इस बच्चे का बीमा होता तो इसके क्रियाकर्म के लिए सरकार की ओर से 1-1.5 लाख रुपया मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, अगर दाता गुरु ने इसका खून ही कर दिया है तो 10-20 हजार दिलवा दूंगा। ये प्रथम भारती का बेटा है, मुझे इसके टाइगर चाहिए, मुझे इसके गिरफ्तार करता है सर। अब तू रोता है? वारे दाता गुरु, ऐसे से मर्डर करते हो कि लाश को गिटने में नहीं करवाते हो। गिरफ्तारी का वारंट लेने इस कमिश्नर के पास आया था, क्यों? शायद तुझे मालूम नहीं है, कमिश्नर और विधायक हमारे आदमी है। मुझे मालूम है, यह तुम्हारा पालतू कुत्ते है। हाँ। जो तेरे एक इशारे पे तुम्हारे तलवार चाटने दौड़ते हुए आते हैं। हमारे एक इशारे पे काम करते हैं, और शायद तुझे मालूम नहीं है बहुत बड़ी गलती क्या जो यहां चल रहा है। लगता है तेरी भी मौत मेरे हाथ लिखी है। हाँ, मेरा बेटा मारा गया है, मैं भी मार जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारा चौड़का हराम कर दे। इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तुम उस पर रिवॉल्वर तान दिया, क्यों? वास पटर धर्म भारती, वाह दाता गुरु के थोड़ी सी मार मसाला बेहोश हो गया। वाह वाह तुम चल, वाह। अरे तूने तो वर्दी पहनते हुए कसम खाया होगा कि हम हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे, लेकिन फैंड के औलाद ये बात भूम तुझे कभी नहीं माफ करेगी। मुझे माफ करे न करे,
पर ये कमिश्नर तुझे नहीं माफ करेगा। तो साला मुझे एलिफेंट के औलाद बता रहा है। हाँ। अरे कभी कुमारी बहन मायावती का चुनाव निशान था, आज मुझे याद आया है। सोले चिरकुट की औलाद में जिले का कमिश्नर हूँ, तुम मुझे एलिफेंट की औलाद बता रहा सौरव। यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे डिपार्ट का आदमी एक प्रकार से मारा जाता है। लाओ मैं बताता हूँ किस प्रकार से मारा जाता है। उठो इंस्पेक्टर बाबू उठो। हाँ हमारे कमिश्नर को क्या बता रहे हो, एलिफेंट मतलब हाथी का बच्चा है क्या है? हाथी का बच्चा है? कानून की वर्दी जिस्म पे डाल करके सतयुगी हरिश्चंद्र बनना चाहते। वाह वाह मलवा वाह आप, और वाले आपका विचार अगर तू जैसे एमएलए हमारे हिंदुस्तान में हो जाए ना तो हमारा हिंदुस्तान अवश्य तरक्की करेगा। क्यों नहीं तरक्की करे बग्गा भैया, हिंदुस्तान क्यों तरक्की नहीं करेगा है? मेरा भारत महान और 100 में से 99 बेईमान। कौन ईमानदारी के रास्ते पे चलता है? मतलब तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूं? नहीं जानता ना, नहीं जानता। बहुत बड़ा गुंडा हूं मैं, बहुत बड़ा। कॉलेज जाता था तो चाकू और ये रिवाल्वर साथ लेकर के जाता था। प्रिंसिपल ने हमारा बस्ता चेक कर लिया, हमारा नाम काट दिया, हमें कॉलेज से मार करके भगा दिया। पागल कुत्ता की तरह दौड़ते हैं मास्टर के घर पहुंचे थे, मास्टर को हम बांका से काट डाले थे। फिर गुंडों के साथ में घूमने लगा, गुंडा बन गया। आज नेताओं के साथ में घूमने लगा तो विधायक बन गया। गुंडे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं ना, जिस दिन कानून के हाथ लग गए सारी गुंडागर्दी भूल जाओगे। चाहू तो इसी वक्त मैं तुझे गोली से मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, इलेक्शन के पहले हम कोई खून खराबा करना नहीं चाहते। कक्षा 2 की किताब में पढ़ा होगा, मतलब ऐसे तो सर्विस पा नहीं गए हो घास छीन के, फोटो भी देखा होगा। और अब की किताबों में आता भी नहीं, हम बताए देते हैं तुम्हें, 1985 की किताबों में आता था। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न किसी की बुराई सुनते थे, न किसी की बुराई देखते थे, और न तो किसी की बुराई को कहते थे। हम ये अंग्रेजों के 3 बंदर हैं भैया, बुराई कहेंगे और सुनेंगे कहेंगे। ए बंदरों, अगर कहीं मत पे बच गया ना तो तुम तीनों बंदरों का अवसर चाहूंगा। डायलॉग बोलता ही चला। कानून और लंडी में कोई फर्क नहीं रह गया। कानून जिसके पास दौलत देखती है उचक के उसकी गोद में बैठ जाती है। कितनी बार कहा कि अपना ट्रांपा करवा ले, नहीं माना, वे मौत मारा गया। ओ विधायक जी दाता गुरु, वैसे अच्छे इंसान की जल्दी मौत होती है, हम लोग बुरे हैं जल्दी नहीं मरेंगे। गुरु महाराज हम ना मरम मरी यू संसारा और हमका मिला जिया। ए कमिश्नर उठान दोनों की लाश फेंका दो। ठहरो, अरे लात को फेंकवाओगे तो क्या करूं? अरे सरकारी आदमी है। सरकारी? हाँ तो
अगर कहीं लाश बरामद हो गई ना तो सीधा दिल्ली से फांसी का हुक्म। फांसी का हुक्म तो क्या करूं? दिमाग से काम लो। कैसे? ये जो इसका लौंडा है ना, पेपर जला करके इसका चेहरा बिगाड़ दे। इसको इसको ससुरा का काम छोड़ेंगे। क्या करोगे? अरे इसका मुंह हम ईटा से कुचल डालेंगे। इसको ले जाकर के बड़ी नहर में डाल देंगे। ये जाकर के आगे रेगुलेटर में फंस जाएगा। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो जलाओ बच्चे को। जल्दी करो जल्दी करो। मेरे बेटे को मारकर मेरे पति की लाश को जलाकर सबूत मिटा देना चाहते हो? मगर नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामजादे। तुम मेरे बेटे की लाश को जलाकर सबूत मिटा देना चाहते हो? किसी की बाजू में ताकत है तो शर्ता को रोक करके दिखाए। शर्ता अपने बेटे की लाश को लेकर जा रही है। ए भैया, जिंदगी में पहली बार चुनौती दिया वो भी एक औरत ने। बहुत बुरा हुआ दाता गुरु, बहुत बुरा। अगर ये औरतिया अपने लौंडे की लाश लेकर कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो फांसी का हुक्म होगा। ये औरत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। कमिश्नर, जा इसका पीछा कर, जैसे भी हो लाओ पकड़ के जाओ। जिस वक्त मिसे लेके औरत को आ जाए मेरे आश्रम पे ले आना। खून तो बिल्कुल लाल लाल, बिल्कुल लाल लाल। ये पेवर हिंदुस्तानी है, पेवर हिंदुस्तानी। हमरा खून आधा लाल आधा काला है, क्योंकि ना मैं हिंदुस्तानी हूं ना पाकिस्तानी हूं, मैं बॉर्डर का हूं। बॉर्डर नौजवानों का खून नहीं पीते हैं तब तक हमारे सीने की ये ज्वालामुखी ठंडी नहीं होती है। इसी प्रकार से खून चूस चूस के, खून चूस चूस के एक दिन हम लोग हिंदुस्तान को खोखला बना देंगे। इसी से मैं बार बार कहा करता हूं कि बाप परेशान बेटा से,
और ये देश परेशान नेता से। देश के गद्दार आओ पशरा चले स्वर्ग के बच्चे या तेरे पटर मन्ना मेरा जतों ने मजा आतंकवादी बना दिया था कुत्ता।